दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है तो दोस्तों यूट्यूब की तरफ से 3 न्यू अपडेट आए हैं और अगर आप एक यूट्यूबर है तो उन अपडेट को आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। तो इस वीडियो में आपको एक एक अपडेट बताने वाला हूँ कि कौन से 3 अपडेट आए हैं यूट्यूब की तरफ से। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब जो सबसे पहला जो अपडेट है वो है वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे समझ लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड करा और वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको ध्यान में आ रहा है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत चीज मैंने अब वीडियो के अंदर बता दिया है, तो ऐसे में क्या अगर हमसे गलती से कोई वीडियो गलत वीडियो अपलोड हो जाती है तो ऐसे में हमें उस वीडियो को पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ता था। लेकिन अब यूट्यूब ने क्या करा, अब यूट्यूब ऐसा फीचर निकाल रहा है कि आप वीडियो के अंदर आप उस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी क्लिप है या कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपने कुछ गलत बताया, कुछ गलत आपने वीडियो में बता दिया, तो उस पार्ट को मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या है कि अगर हम वीडियो को डिलीट कर देते तो उससे क्या होता है, जितने हमारे वीडियो व्यूज आए होते हैं, वॉच टाइम होते हैं, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में आप ही लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आप एक यूट्यूबर है, आपको पूरा का पूरा वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपने वीडियो के अंदर जहां पर भी आपने मिस्टेक करी है तो केवल उस क्लिप को ही आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक अपडेट है। अब दोस्तों जो दूसरा अपडेट आया YouTube की तरफ से वो है YouTube कॉपीराइट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था कि हमारे वीडियो के अंदर जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आता तो उसमें एग्जैक्ट रीजन ये लिखा रहता था कि किस वजह से हमारे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया या कॉपीराइट क्लेम दिया गया। एग्जैक्ट रीजन उसमें दिया नहीं गया था। लेकिन ये जो यूट्यूब कॉपीराइट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आया अब से क्या होगा कि अब आपको एग्जैक्ट रीजन दिया जाएगा। जैसे समझ लीजिए आपने वीडियो के बीच में किसी का फोटो यूज करा या किसी का समझ लीजिए कोई वीडियो यूज कर लिया या कोई गाना यूज कर लिया, तो उस वजह से अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि वीडियो के अंदर आपने ये इस्तेमाल करा है तो इस वजह से आपके वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया या कॉपीराइट क्लेम दिया गया, उसमें पूरा डिटेल एकदम लिखा होगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा एक कमाल का अपडेट है क्योंकि अभी तक पता नहीं चलता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आता था वीडियो के अंदर, तो उसमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता था कि किस वजह से आया है। और अगर हमें एग्जैक्ट रीजन पता चल जाए तो उसके बाद इन फ्यूचर हम उस गलती को दोबारा दोहराएंगे भी नहीं। तो अब YouTube की तरफ से अब एग्जैक्ट रीजन भी पता चल जाएगा कि किस वजह से आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आया। तो ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का एक अपडेट है। अब दोस्तों जो थर्ड अपडेट जो कि आखिरी अपडेट है वो ये है कि आप @ मेंशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि 1000 सब्सक्राइबर पर @ मेंशन कर सकते थे, फिर उसके बाद यूट्यूब ने एक अपडेट निकाला कि 500 सब्सक्राइबर पर @ मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब से क्या है, जैसे आप एक नया चैनल बनाते हैं यानी 0 सब्सक्राइबर से ही आप @ लगा के मेंशन कर सकते हैं। या समझ लीजिए जैसे आप किसी बड़े क्रिएटर पे आप वीडियो बना रहे हैं तो आप @ लगाकर आप मेंशन कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं उस क्रिएटर को। उससे क्या जो आपकी वीडियो है तो उस क्रिएटर के सजेशन में भी आपकी वीडियो जा सकती है। उससे क्या आपकी वीडियो में ज्यादा ना व्यूज भी आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा कमाल का अपडेट है। और बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा अपडेट कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो एक चैनल पर आपको मिलती रहेगी।